का कोचअप अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 9.3 एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, शो दैट डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, डिवाइड इट इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। कि हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है, पैरेललोग्राम के जो डायगनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं और हमें ये बताना है कि वो चार ट्रायंगल्स में डिवाइड होता है पैरेललोग्राम, वो चारों के चारों का एरिया क्या है, इक्वल है। तो ये तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो डायगनल्स हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं। तो डायगनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ये तो हम पहले पढ़ चुके हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ, AO इज इक्वल टू OC एंड DO इज इक्वल टू OB हो गया। और ये भी कह सकते हैं अब हम कि अगर ये मीडियन है की तरह काम करेगा, AO किस ट्रायंगल में, ADB के अंदर, और जो BO है वो मीडियन की तरह काम करेगा मेरा ABC ट्रायंगल्स के अंदर, और जो CO है वो ट्रायंगल DCB के अंदर मीडियन की तरह काम करेगा। तो इससे हम ये कह सकते हैं, अब एक लिबाल हम ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल DAB, तो इस DAB में AO इज ए मीडियन, AO इज ए मीडियन, क्योंकि हमारे जो डायगनल्स होते हैं वो डिवाइड करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो AO इज ए मीडियन। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOP। इससे हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गया। उसके बाद हम ये कह सकते हैं जो BO ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, इन ट्रायंगल ABC, ABC के अंदर क्या है, BO इज ए मीडियन। अब हमारा BO मीडियन है, तो इससे हम ये भी कह सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन कौन सा, ABO इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CBO, इस वाले का एरिया का ट्रायंगल का एरिया और इस वाले के इक्वल हो गया। अब ले लेते हैं हम तीसरा ट्रायंगल कौन सा, ये हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 2, इन ट्रायंगल BCD, इसमें CO इज ए मीडियन। अब हमारा जो CO है वो मीडियन का काम करने वाला है, मीडियन का, तो देयरफॉर हम ये भी कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC इज इक्वल टू एरिया ऑफ एंगल DCO, ये हमारा थर्ड हो गया। अब ट्रायंगल ले लेते हैं हम ADC, इन ट्रायंगल ADC, अब इसमें हमारा DO इज ए मीडियन। तो इससे हम कह सकते हैं एरिया ऑफ AOD इज इक्वल टू एरिया ऑफ DOC। तो देखो हमारे पास चार इक्वेशंस आ गई और चारों में देखो आपस में सारे के सारे AOD जो है हमारा AOB के इक्वल भी है और हमारा DOC के इक्वल भी है। सिमिलरली हमारा AOBA जो हमारा BOC के इक्वल भी है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये चारों के चारों जो हमारे ट्रायंगल्स हैं एक दूसरे के इक्वल हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट ऑल ट्रायंगल्स आर ऑफ इक्वल एरिया, चारों इक्वेशन से फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, हम इन चारों इक्वेशन से ये कह देते हैं कि जो सारे के सारे ट्रायंगल्स हैं वो इक्वल एरिया के हैं। तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड।